तो फ्रेंड्स हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, करेंगे ब्राउन। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है हमें इसको। बहुत ही लाजवाब डिश तैयार हो रही है। आलू मूंगरे माशाल्लाह से हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो रहे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन एक चम्मच। इस टाइम पे हमने लहसुन अदरक को करीबन 40 से 50 सेकंड एक मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है अच्छे से, ताकि जो हमारे प्याज है इनकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। खुशबू जो है वो अपनी बरकरार रहेगी, इसकी जो स्मेल होती है कड़वासी वो खत्म हो जाएगी इसकी। एक मिनट हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च कुटी हुई। उसके बाद डालेंगे हम टमाटर एक अदरक कटा हुआ, टमाटर को हमने तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि अच्छे से गल जाए। जी फ्रेंड्स, तो हमारे जो टमाटर हैं वो गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे आलू, इनको फ्राई करना है हमने 4 से 5 मिनट मसाले में। ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए, गल जाए। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे हमने आगे डालना है 1 चम्मच नमक, हल्दी 1/4 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर जो हमने डालना है इसमें वो 1.5 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच। इसको कर देना हमने अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना।
अब इसके मसाले की बुनाई का टाइम, तो हमने इसमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इसकी अच्छे से बुनाई करनी है हमने। जितनी अच्छी हम इसकी बुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार टेस्टफुल जो है वो हमारा सालन तैयार होगा। माशाल्लाह से हमारे मसाले की जो बुनाई है वो अच्छे से हो रही है, तो मज़ीद हमने इसको 3 से 4 मिनट और जो है ना इसकी बुनाई करनी है, इसको पकाना है। और कम से कम मसाले के बुनाई के टाइम पे हमने 10 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है लाजमी, तभी हमारा जो सालन है, सब्ज़ी है, दाल है, जो भी आप बना रहे हो उसका टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनेगा अगर आपकी इसकी बुनाई जो है ना फुल करेंगे। बुनाई में जो है आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना इसकी। तो फ्रेंड हमारे मसाले की जो बुनाई है वो बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है, तकरीबन मैंने इसकी बुनाई जो 10 मिनट की है। तो अब हम इसमें डालेंगे मुरमुरे, बहुत ही प्यारी सब्ज़ी है, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स मसाले में। सब्जी है वो मिक्स हो चुकी है, तो अब हमने इसको ढाँप देना है और लो फ्लेम पे, फ्लेम हमने थोड़ा स्लो कर देना है और इसको ढाँप देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अपना पानी छोड़ दे। तो अपने पानी में उसके बाद हमने इसका ढक्कन उतार के इसका पानी जो है वो खुश करना है उसके बाद। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स चेक करते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सालन हमारा बन रहा है। पानी देखें फ्रेंड्स कितना इसने छोड़ा है अपना। इसका पानी जो है वो ड्राई करना है अच्छे से। फ्रेंड्स हमने जब इसका पानी ड्राई करना है तो फ्लेम को तेज कर लेना है, ताकि पानी अच्छे से और जल्दी जो है ना वो ड्राई हो जाए। तो हमने इसकी फ्लेम जो है तेज कर दी है। हम इसको करेंगे अच्छे से ड्राई पानी को, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स मुंगरे सब्जी जो है वो सर्दियों की लाजवाब बहुत ही प्यारी सब्जी है, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। फ्रेंड हमारा पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, तो इस वक्त जो है हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, इसको अच्छी तरह मसल लें। मसल के अच्छे से स्प्रेड डाल दें और इसको कर दें मिक्स, माशाल्लाह
बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। हमने पानी को जो है ना वो अच्छे से ड्राई करना है ताकि पानी ना रहे बिल्कुल भी। अगर पानी रहेगा तो हमारा जो सालन है सब्जी है इसका टेस्ट जो है ना वो अच्छे से नहीं मिलेगा आपको, इसलिए हम इसको अच्छे से ड्राई करेंगे। तो फ्रेंड हमारा पानी जो है बिल्कुल थोड़ा सा रह गया ड्राई होने में, तो इस टाइम पे आपने चमचा जो है वो हिलाते रहना है ताकि हमारा सालन जो है सब्जी ये जले ना। तो फ्रेंड माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हमारी सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है, उसने पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। तो फ्रेंड्स आप भुनाई भी आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और एंड पे जैसे ये सब्ज़ी मैंने बनाई है तो इसका पानी जो है ना एंड पे हमने उसको अच्छे से जो है ना वो ड्राई करना है। जितना अच्छे से हम इसको ड्राई करेंगे उतना ही मज़ेदार और टेस्टफुल हमारा सालन सब्ज़ी बनेगा। माशाल्लाह से बिल्कुल इसका जो है ना पानी वो ड्राई हो चुका है, तो अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो आलू मुंगरे रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा टेस्ट है, बहुत ही मज़ेदार। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।